ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। एम नेता वारिस पठान ने विवादित बयान देकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। 100 करोड़ पर 15 करोड़ मुस्लिमों के भारी होने के बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। वहीं उनके इस भड़काऊ बयान पर देवबंदी उलेमा भी आ बबूला हो गए हैं। उलेमाओं ने वारिस के बयान को न सिर्फ जहरीला करार दिया है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा और देश को तोड़ने वाला बताया है। उन्होंने नेताओं को ऐसे विवादित बयान नहीं देने की हिदायत देते हुए कहा कि देश को जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। देखिए, एक वारिस पठान का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी हमारी शेरनियाँ निकली हैं और जो है 100 करोड़ पर 15 करोड़ जो है भारी हैं। तो मैं वारिस पठान जी से ये कह देना चाहता हूँ, वारिस पठान हो या दूसरे राजनेता हो, वो अपनी जहरीली ज़बान का इस्तेमाल ना करें, इस मुल्क को जो है तोड़ने वाले बयानबाजी ना करें। हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, ना कि मुल्क को तोड़ने वाली बात करनी चाहिए। इसी तरीके से आरएसएस के कुछ नेता होते हैं, वो अपनी जहरीली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इन लोगों ने भी जहरीली ज़बान का इस्तेमाल किया जिससे मुल्क के अंदर नफ़रत की हवा चलती है। तो हम इस तरीके के जो भी जहरीले बयान देते हैं उन तमाम बयानों का खंडन करते हैं और उनकी निंदा करते हैं।